वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट आईएएस। स्वागत है आपका नाइट आईएएस के डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में। और हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में। ब्लू डॉट नेटवर्क बहुत ज़्यादा चर्चा में है, समाचारों में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत के शामिल होने की संभावना है। BDN की औपचारिक घोषणा 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड की बैंकॉक में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी। इसका नेतृत्व जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी करेगा। क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क? यह वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने की एक बहुहितधारक पहल है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ साथ यह विश्व स्तर पर सड़क, बंदरगाह और पुलों के लिए मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में काम करेगा। इसके तहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को ऋण, पर्यावरण मानकों, श्रम मानकों आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। यह प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहां नागरिक ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं। विश्व स्तर पर ब्लू डॉट नेटवर्क प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त स्वीकृति के तौर पर काम करेगा, जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि परियोजनाएं टिकाऊ हैं, ना कि शोषणकारी। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि BRI के विपरीत BDN किसी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक ऋण की पेशकश नहीं करेगा। गौरतलब है कि भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक सेट है। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है, किंतु इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। BRI पहले चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पहला रूट, जिसे चीन से शुरू कर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है, जबकि इस योजना के तहत दूसरा रूट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाया जाना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का माध्यम है, जिसके जरिए वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।